केंद्रीय स्तरीय प्राथमिक स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिता राजकीय केंद्र प्राथमिक स्कूल शंशर में आज से शुरू किया जा रहा है, जो 2 दिन तक चलेगा। इसमें 11 स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत शंशर के वार्ड मेंबर किशन ठाकुर रहे। उन्होंने अपने संबोधन में बच्चों को यह संदेश दिया कि जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है। राकेश शर्मा, प्रधान स्कूल प्रबंधन कमेटी, निर्मला ठाकुर, अजय बाटला, दिवेश ठाकुर, अमित, अक्षय, रामलाल इत्यादि का कहना है कि खेलकूद में और पढ़ाई में हमारे बच्चे आगे आने चाहिए। स्कूल के मुख्याध्यापक कादशी राम ने मुख्य अतिथि को टोपी और मफलर पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ में स्कूल के सभी अध्यापक शामिल थे। मुख्य अतिथि ने बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए 2500 राशि देने की घोषणा। आज हमारे राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला शंशर के खेल कूद प्रतियोगिता वर्ष 2019 के जो है दिनांक 2/9/2019 का जो है शुभारंभ वार्ड पंच श्री किशन ठाकुर जी ग्राम पंचायत शंशर के द्वारा जो है उद्घाटन हुआ, जिसमें जो है मेरे केंद्र के अधीनस्थ 11 पाठशाला जो है पढ़ती है 3 पंचायतों के अंतर्गत, जो है सभी बच्चों ने जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और इसमें जो है हमारे प्राइमरी स्तर पर जो है वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी और अन्य एथलीट्स वगैरह जो है खेली जाएगी। और साथ में जो है इस वक्त ऊपर से जो है HPPTF द्वारा जो है नई गेम चेस भी रखी है, उसकी भी जो है तैयारियां हर अध्यापक जोर शोर पर कर रहा है। आज हमारे मुख्य अतिथि ने इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत जो है अच्छी जो है शिक्षाओं के बारे में और खेल के जो है साथ साथ जो है सरकार ने भी जो है बड़े अनिवार्य किया है। कुल्लू से महेंद्र पलसरा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube